हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड शाइन। और देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपने बहुत एफर्ट्स करे, बहुत मेहनत करी और कहीं इस वीक आप उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर एटलीस्ट आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको वो एप्रिसिएशन देंगे, वो रिकग्निशन देंगे। और कहीं आपको ना तो वो रिजल्ट्स मिले, ना ही वो एप्रिसिएशन, वो रिकग्निशन मिली। और कहीं देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए आप अपने तरीके से काम करना चाह रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होके काम करना चाह रहे हैं, आप बहुत सोफिस्टिकेशन, बहुत ग्रेस के साथ अपने प्रोफेशनल वर्क में, अगेन मैं बोलूँगी कि काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं देखिए, एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच या तो आप रखना चाह रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, या फिर चीज़ों को लेके ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक भी इस वीक आप हो रहे हैं। मनी, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत प्रायोरिटी हैं, लेकिन आप उतना, अगेन मैं कहूँगी, नहीं उस तरीके से डील कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं। कहीं आप एक बहुत डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को अगेन डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से अगेन देखिए, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं आपके तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन सरफेस, सॉरी, डीपर लेवल के लिए शाइन का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं आप बियॉन्ड अ पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं आप फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर, अगेन मैं कहूँगी कि बहुत फेथ रखते हुए, अपनी एबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियल पे ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त एक, अगेन मैं कहूँगी कि ऑरा आपका इस वीक चीज़ों को डील करने के लिए रह सकता है। और देखिए, जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि जो भी इस वीक आप करना चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कैपेसिटी है। और कहीं आप अपने टैलेंट्स को इस वीक ज़रूर यूटिलाइज़ करें। सरफेस लेवल पे अगर आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो उस चीज़ को आप पर्सनल ला लें, क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई चीज़ ठीक नहीं होती है या फिर कोई इंसान हमें कुछ कह देता है तो हम अपने अंदर ही कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद हमने ही ठीक नहीं किया या फिर हमें ही नहीं आता है, हम में ही कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए, वैसे तो कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त एक फेथ अपने ऊपर रख रहे हैं। लेकिन जो कैप्रिकॉर्न्स ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि अपने टैलेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ पे फुल कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ें। हो सकता है कि इस वीक वैसे ना हो चीज़ें जैसे आप चाहते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस फ्यूचर में ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, फ्यूचर में ज़रूर इसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डार्केस्ट फियर्स। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। और ये जनरल रीडिंग है
तो सबके लिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स डिफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंटरनल हो सकते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप दुविधा में हैं, आपका मन परेशान है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल हो सकते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही, बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्पिटिशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंटरनल, कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल रह सकते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा मुझे इंटरनल दिख रहे हैं। यहाँ फिर से मैं कहूँगी कि जो भी एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, जैसे भी आप उस चीज़ को डील कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं, एक डर बहुत ज़्यादा आपके मन में उसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न से मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डर को आप ओवरकम करें। मैंने हर बारी वीडियोस में शेयर किया है कि 85-90% जो हमारे फियर्स होते हैं वो बेसलेस होते हैं, जिनकी वजह से लाइफ में बहुत कुछ हम नहीं कर पाते हैं। तो इस वीक ज़रूर पॉज करके अपने आप को पूछें, जो ये डर है वाकई में उसका कोई तत्व है, वाकई में उसका ये बेस है, या फिर ये आपके माइंड की क्रिएशन है। और देखिए, अगर वो बेसलेस होगा तो खुद ब खुद गायब हो जाएगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और अगर वाकई में ये डर आपका सही है, तो देखिए कैसे आप उसको डील कर सकते हैं, क्या उसका सल्यूशन है, क्या उसका हल है, आप उसके ऊपर फोकस करें। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी हो, इन फियर्स को, इन सिक्योरिटीज़ को ज़रूर आप इस वीक ओवरकम करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है 8 of Wands, और ये कार्ड कहता है कि शायद बहुत कुछ आपके लाइफ में इस वीक हो रहा है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस है। हो सकता है अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इस वजह से आप एक स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा स्लो हों और अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव लें, लेकिन एक इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ को लेके। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।